बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ साजिद अली। हम अपने प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची। आज का मौजू है वसीला, उसी के उनवान से आइए क़िबला से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब अली, मैं साजिद साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूं कि इस नाचीज को इस अपने अहम ख़ास प्रोग्राम में, सच्ची ज़िंदगी में हकीर को इस माह सयाम में कुछ पैगाम देने का मौका दिया। और आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है वसीला। खालिके मौत व हयात ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वाब्तगू इलैहिल वसीला। इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ऐ ईमान वालो, वसीला तलाश करो, वसीला बनाओ नहीं। आज जो हमें दीन मिला, जो इस्लाम मिला, हमें जो नमाज़ें मिली, हमें जो रोज़े मिले, हमें जो हज मिले, ये सब वसीले की बुनियाद पर ही मिले हैं। वसीला दर वसीला जो है ये अमल अंजाम देता गया और ये हम तक जो पैगाम इस्लाम पहुंचा है वो वसीले के ही ज़रिए से पहुंचा है। आज के ज़माने में हमें एक दूसरे का वसीला बनने की ज़रूरत है। अगर कोई मजबूर और बेसहारा है तो हम उसके लिए वसीला बनके खड़े हो जाएं, उसके मुनीस बन जाएं, ता करके वो ये कहता हुआ नज़र आए कि हमारा वसीला, हमारी मुसीबत का वसीला, हमारी परेशानी का वसीला फना बना। आज आप देखें अल्लाह के रसूल अहमद मुश्तवा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सबसे अजीम वसीले की मंजिल साबित हुए, उस जात का नाम जनाबे अबू तालिब है। वो अबू तालिब जो रसूल इस्लाम के चचा हैं और हजरत अली के वालिद मोहतरम हैं। तो आप सोचें, अल्लाह ने अपने हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए सही इंतखाब अगर किसी जात का किया है तो उस जात का नाम जनाब अबू तालिब है। आज हजरत अबू तालिब के सिलसिले से मुख्तलिफ मसालिक के यहाँ बहस की जाती है, मगर हमें बहस की जरूरत नहीं है, न इसवा बहस करना मुझे मकसूद है। सिर्फ एक बात बताना मुझे मकसूद है। जहाँ तक मैंने बिरादरान इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं, उनकी तारीखें पढ़ी हैं, हर तारीख और हर वाकये में ये मिलता है कि जो इंसान अपने मोहसिन का एहसान भूल जाए उससे कभी वफा की उम्मीद नहीं रखी जाती। तो अब यह बात ये बताएं, तमाम आशिकान रसूल जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर सबसे ज्यादा जाते हुजूर सरवरे कायनात पर किसी का एहसान है तो उस जात का नाम जनाबे अबू तालिब है। अबू तालिब ने रसूल इस्लाम की परवरिश की, ये सच्ची जिंदगी है, इसलिए ताकि हजरत अबू तालिब की हिस्ट्री तारीख लोगों को मालूम होनी चाहिए। आप पूरी तारीख पढ़ लें, पूरे मुसलमानों को देख लें, हर आदमी से पूछें कि अच्छा ये बताइए कि रसूल इस्लाम को पालने वाला कौन है, तो हर कलमा तौहीद अगर जर्रा बराबर भी ईमान रखता है तो उसके जुबान से यही निकलेगा कि रसूल इस्लाम की परवरिश करने वाले का नाम जाते जनाबे हजरत अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब ने इस्लाम
के इस अहम रुकन को जो इस्लाम लाने वाला है, इस्लाम को पहुंचाने वाला है, जो इस्लाम की नशोशात करने वाला है, उस सात को अगर परवान चढ़ाया है तो जनाब अबू तालिब है। और इसी अबू तालिब ने सबसे पहले दावत इस्लाम भी अपने आंगन से दिलवाई है, जिसे तारीख में जुलशीरा कहा जाता है। बहरहाल उस पर मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है, मगर आज के दौर में आप देखें कि रसूल इस्लाम ने पूरी जिंदगी गुरबा परवरी, मसाकीन की मदद और अपने हमसायों की मदद, ये सेवा रहा है रसूल और आले रसूल का। आज माह सयाम जिन हालतों में गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, ना इससे पहले वालों ने ऐसा देखा था, ना हमने आपने कभी अपने बुजुर्गों से ऐसा सुना था, और ना हमें उम्मीद है कि आने वाली हमारी नस्ल ऐसी माह सयाम देखे। इस माह सयाम में दिगर माह सयाम में बड़ा फर्क पाया जाता है, इसलिए कल जब माह सयाम का महीना आता था तो हर आदमी शाम में अपने घरों को छोड़ के, नौजवान बूढ़ा सब जो है वो अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ जाता था। मगर आज मस्जिद वीरान है, मस्जिद उदास है, मस्जिद में चाह करके भी आप नहीं जा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हुकूमत का निजाम है कि आप इकट्ठा ना हो, आप मजमा ना करें। यानी इस्लाम ने दो इबादतें आपको बताई हैं, एक इज्तिमाई और एक इनफरादी। काश लोगों ने गौर कर लिया होता कि अल्लाह के रसूल को भी परवरदिगार ने, खुद अल्लाह ने अपने रसूल को ऐलान किया, ऐ मोहम्मद तुम रात भर जाग के सारी इबादतें ना किया करो, ऐसा ना हो इन मुस्तहब इबादतों को तुम्हारी उम्मत फर्ज समझ ले और वो हर वक्त मस्जिदों में रहे। नहीं, बल्कि खुदा भी ये चाहता है कि आप इबादत के कुछ हिस्से अपने घरों में भी करें। आज इस माह सयाम में हम ज्यादातर अपने घरों में इबादत अंजाम दे रहे हैं, कुरान कर रहे हैं। जिन घरों में 11 महीने तक कुरान की तिलावत नहीं हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह माह सयाम के मौके पर हमारे घरों में कुरान की तिलावत की जा रही है। अगर जिन लोगों को पूरा कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर वो कुरान के सत्रों पर भी उंगलियां रख लें तो कुरान पढ़ने वालों में शुमार हो जाएंगे। आप सूरह तौहीद की तिलावत करते चले जाएं, कुरान पढ़ने वालों में शुमार हो जाएंगे। सूरह अलहम्द की तिलावत करते जाएं, कुरान पढ़ने वालों और खत्म करने वालों में आपका शुमार कर लिया जाएगा। कितना रब्बे करीम है हमारा माबूद के हर एक को मसावात की मंजिल पे ला दिया। माह सयाम का रोजा ये इसीलिए अल्लाह ने रखा है ताकि समझ में आ जाए कि एक महीना तुम्हारे पास दौलत और सरवत होने के बाद, हुकूमत होने के बाद, असबाब होने के बाद, अगर सिर्फ मैंने तुम्हें मना किया है और तुम अगर उससे रुक रहे हो तो सोचो तुम्हारे जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है, तुम्हारी जिंदगी लाइफ पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। जरा उनका भी ख्याल करो जो साल भर तक आधे पेट खा के रहते हैं और आधे पेट पे जिंदगी गुजारते हैं। लिहाजा अब तुम देखो, एक महीना रहने के बाद जब मैंने मना किया और तुमने इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। लिहाजा रोजे में हमारी जिंदगी पर असर पड़ना चाहिए। इस लॉकडाउन के जमाने में, आज के दौर में हमें पूरे आलम इस्लाम पर अगर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज के माह सयाम में कल के माह सयाम में बड़ा फर्क पाया जा रहा था। आज का माह सयाम दावत इस्तिगफार का जमाना है, आज का माह सयाम दावत तौहीद के साथ साथ इलाही निजाम हुकूमत के जमाने में यह अल्लाह का महीना है जो बाब रहमत का अशरा है, बाब मगफरत का अशरा है, बाबे तौबा का अशरा है। इन अशरों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए नहीं जिए बल्कि कौम के लिए भी जिए, माशरे के लिए भी जिए। मैं आज अपनी सच्ची जिंदगी के हवाले से मैं तमाम तंजीमों से, तमाम
मातमी अंजुमनों से, तमाम दीनी इदारों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस बड़ी सही है, बड़ी कोशिश है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। जनाब साजिद साहब उनके रफ़का लायक तहसीन और मुबारकबाद के लायक हैं कि माह सयाम में, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह माह सयाम के बाद भी सच्ची जिंदगी का सिलसिला हफ्ते में जारी रहेगा। अल्लाह उनकी सही को, उनके इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाए। और मैं एक बात आखिर में कह के गुफ्तगू तमाम कर देना चाहता हूँ, ए मातमी अंजुमनों के जिम्मेदारों, तुमने बड़ा नौहा पढ़ा है, बहुत मातम किया है, बड़ी शब्बेदारियां की हैं, बड़े मकासदे किए हैं, और इस्लाह माशरा की कॉन्फ्रेंस करने वालों, बहुत तुमने इस्लाह माशरा किया है, बहुत इज्तिमा किया है। अब इज्तिमा का वक्त नहीं रहा, अब इस्लाह माशरा के जलसे का वक्त इस वक्त नहीं रहा। इस वक्त ये सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कौम के लोगों की खबर गिरी करो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अफ्तार कर रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी के यहां अफ्तार का एहतमाम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके घरों में अच्छी गजाएं इस्तेमाल की जा रही हों, आपके पड़ोसी, आपके समाज, आपके माशरे में कुछ ऐसे हों जो सिर्फ नमक रोटी खा के रह रहे हो। नहीं, अगर ऐसा रह गया तो फिर अली वाला कहने का हमें हक नहीं रहेगा, हुसैन और आले हुसैन वाला कहने का मुझे हक नहीं रहेगा। आओ जागो, उठो, माह सयाम में अहद करो, गलियों गलियों में जाओ, इलाकों में जाओ, जाके पूछो कौम का कोई भूखा तो नहीं है, कौम में कोई प्यासा तो नहीं है, कौम में जो ये इस वक्त ऐसे हालात हैं उसका डट के मुकाबला करो, ताकि मेरा मौला खुश हो जाए। शबों के हर के जमाने आने वाले हैं, यकीनन जो शबें हर साल हम करते थे अब वो तो ना मिलेंगी, मगर अली की जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए एक अहद इस माह सयाम में लेके नौजवानों बुजुर्गों उठो कि हमारी दौलतें, हमारी सरवतें अली के उस कदम पर निछावर कर दो। मौला ने क्या फरमाया था कि सच सबसे बड़ा हमारे मुसलमानों में सबसे बड़ा मोमिन वो है जो खुद अपने लिए न जिए, कौम के लिए जिए। आज का जमाना कौम के लिए जीने का आ गया है, सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, अपने लिए जीना खुद गर्जी कहलाता है, कौम के लिए जीना मोमिन की अलामत कहलाता है। यही इस्लाम है, यही पैगाम है, इस पैगाम को आम किया जाए, अंजुमनों तक पहुंचाया जाए, अंजुमन के जिम्मेदारों, अंजुमन के सेक्रेटरी, उनके ओहदेदारों की जिम्मेदारी है, नौहा पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि सिर्फ नौहा पढ़ने से काम नहीं होगा, जैनब जैनब के अमल को, पैगाम को लोगों तक पहुंचाने पर हमारा मकसद आया होना चाहिए, तब हमारी सच्ची जिंदगी का मकसद होगा, सच्चे दीदारी का मकसद पूरा हो जाएगा। आइए मैं फिर एक बार आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं, सच्ची जिंदगी के इस प्रोग्राम को लाने वाले साजिद अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा से दुआ करता हूं कि परवरदगार जो लोग भी इस तंजीम में शामिल हैं, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, अल्लाह उनके मकासिद में कामयाबी अता फरमाए, और इस दुआ के साथ कि परवरदगार तमाम आलम इंसानियत को इस कोरोना जैसे मुजी मर्ज से परवरदगार महफूज फरमाए, हमारे सरों पे उलमा का, मराजा जाम का साया बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप सुन रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तहजीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची को। इंशाल्लाह फिर कल रात 8 बजे इसी प्रोग्राम सच्ची जिंदगी में बनारस के दादा यूट्यूब चैनल पे नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।